ये पर्यटन स्थल काफ़ी सुंदर बना हुआ है, देख सकते हैं किस तरीके से बनवाया गया, हर एक आकार और डिज़ाइन है इसमें, देखिए कितना आधुनिक है, देख सकते हैं चारों तरफ से। ये वही आदम खान की समाधि है जिसको अकबर ने मरवा दिया गया था। आदम खान बता दें कि अकबर की सौतेली माँ का बेटा था। यहाँ पर सुरंग का रास्ता है, ये अभी बंद कर दिया। ये वही सुरंग है जो यहाँ से एक बार जब बारात गई थी तो कभी, ये सुरंग काफ़ी लंबी है, बताया जाता है कि पूरी दिल्ली में ये सुरंग फैली हुई है, शायद बहुत लंबी है, जिसके चलते यहाँ पर जब एक बारात रुकी थी तो बारात पूरी गायब हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खबर दर्शक में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ दिल्ली के मेहरौली में स्थित, ये मेरे पीछे भूल भुलैया है, बताते कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, देख सकते हैं कितनी शांति यहाँ पर है। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि इसके पास ही, देखिए इसके पास ही ये कुतुब मीनार है जो आजकल चर्चाओं में है, लेकिन जो कुतुब मीनार को देखने जो आता है वो भूल भुलैया देख कर जरूर जाता है। अगर भूल भुलैया के इतिहास की बात करें तो यह अकबर, जो मुग़ल शासक अकबर था, उसके सौतेले माँ का बेटा था आदम खान, उसको अकबर ने मरवाया था। इसमें एक उसकी समाधि भी है जिसे यहाँ पर दफनाया गया था, देख सकते हैं कितना ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर काफ़ी लोग, यहाँ पर देखिए सुबह से या शाम, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही ये चालू हो जाता, जिसके बाद सुबह से यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं देश विदेश से। जो कोई जब कुतुब मीनार घूमने के लिए आता है तो यहाँ पर घूमने ज़रूर आता है, अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि एक ऐतिहासिक जगह है। ये पर्यटन स्थल काफ़ी सुंदर बना हुआ है, देख सकते हैं किस तरीके से बनवाया गया, हर एक आकार और डिज़ाइन है इसमें, देखिए कितना आधुनिक है, देख सकते हैं चारों तरफ से जो पुराने ज़माने में जो महल ये जो बनते थे उस तरीके से बनाया गया। अब मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ, दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से, देखिए कितनी ऊंचाई पर आप इसके देख सकते हैं, पत्थर है, संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ, देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर। देखिए यहाँ पर आवाज़ भी गूंजती है, खास बात ये है कि यहाँ पर अगर मैं जो बोल रहा हूँ आवाज़ भी गूंज रही है, देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शांति है। और ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये वही आदम खान की समाधि है जिसको अकबर ने मरवा दिया गया था। आदम खान बता दें कि अकबर की सौतेली माँ का बेटा था और खासी दुश्मनी थी दोनों के बीच। बता दूं कि अकबर के शासन में सेनापति भी था आदम खान, लेकिन दोनों के बीच जब दुश्मनी हुई तो अकबर ने इसको मरवा दिया था। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ डिज़ाइन है, हालाँकि अब यहाँ पर कोई रहता नहीं है, डेंटिंग पेंटिंग का कारण नहीं है, ये ऐसा हो चुका है इसलिए। लेकिन जब यहाँ पर दूर दराज से लोग घूमने के लिए आते हैं, आप भी वैसे घूमने के लिए आए कि यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, आप घूमने के लिए नहीं आए। देखिए यहाँ पर बहुत दूर से मैं और आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ, इसके पास में एक जंगल भी है जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर ये मेहरौली में स्थित है, मेहरौली में बना हुआ है, और यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी उत्साह रहता है लोगों में। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना आधुनिक है, चारों ये गोल गुम्बद की तरह बनाया गया, चारों तरफ गोलाई है, और बड़े बड़े देखिए ये बड़े बड़े यहाँ पर पिलर, यहाँ पर पिलर भी बहुत काफ़ी बड़े बड़े और भारी हैं, जैसे कि मुग़ल शासन में इसे बनाया गया था। और कहा यह भी जाता है इस भूल भुलैया को लेकर कि यहाँ पर एक मुग़ल शासन के दौरान एक बारात आई थी, जो बारात समाधि के नीचे एक रास्ता था, अभी फ़िलहाल बंद है, जो यहाँ पर एक बारात आई थी पूरी बारात उसमें समा गई थी, फिर उसके बाद कभी भी बारात यहाँ पर लौट कर नहीं आई, ऐसा कहा जाता है भूल भुलैया के बारे में। हालांकि ये सब कुछ इतिहास की बातें हैं, और देख सकते हैं चारों तरफ मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर इसे बनाया गया है। बता दें कि देखिए देख सकते हैं ये भूल भुलैया है, यहाँ पर काफ़ी लोग बड़ी ही काफ़ी लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक घूमने के लिए आते हैं। इस वीरान मकबरे में सिर्फ एक ही कब्र है जो आदम खान की, जानकारी के अनुसार बता दूं कि आपको बंगाल सिविल सेवा के एक मिस्टर ब्लैक, देखिए ये भी है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर सुरंग का रास्ता है, ये अभी बंद कर दिया। ये वही सुरंग है जो यहाँ से एक बार जब बारात गई थी तो कभी, ये सुरंग काफ़ी लंबी है, बताया जाता है कि पूरी दिल्ली में ये सुरंग फैली हुई है, शायद बहुत लंबी है, जिसके चलते यहाँ पर जब एक बारात रुकी थी तो बारात पूरी गायब हो गई थी। और इस मकबरे के बारे में बता दूँ कि इसे सन 1830 में इस इमारत को अपने रहने के लिए इसे ठीक कराया गया था, जो ब्रिटिश जो इस हॉल में दोनों कब्र हटाकर इसको अपना एक डाइनिंग हॉल भी यहाँ पर बनाया गया था। बाद में इस इमारत में पुलिस थाना भी रहा था, लेकिन बाद में अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने फिर इस मकबरे का जीर्णोद्धार कराया, किंतु इस में अब आदम खां का कब्र तो है, लेकिन ये चारों तरफ से आपको दिखा दूँ। अब देखिए इसको दिखा सकते हैं, ये जो है
पास में कुतुब मीनार है और यहाँ पर एक मेहरौली मार्केट भी है। मैं दिखाना चाहूँगा पीछे मेहरौली मार्केट भी है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटन सुबह से शाम घूमने आते हैं। ये अपने आप में एक इतिहास में दर्ज है, धरोहर है भारत की काफ़ी संख्या में। अभी ये शाम का वक्त है जो अभी यहाँ पर सन्नाटा, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जो मेहरौली और आसपास के लोग हैं धूप सेकने के लिए भी आते हैं। अभी फ़िलहाल गर्मी है, टेम्परेचर है, जिसकी वजह से लोग ने अभी शाम होगी तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी आएंगे। सुबह से शाम तक विदेशी पर्यटक तो यहाँ पर आते ही हैं, इसके अलावा स्थानीय लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। सुबह से शाम बैठे रहते हैं, अभी धूप है, गर्मी का समय, तो इस वजह से लोग घर से नहीं निकले। जैसे देर शाम अंधेरा होगा तो यहाँ पर फिर से लोगों का जो है आना शुरू हो जाएगा। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सामने कुतुब मीनार है, यहाँ पर मेहरौली में स्थित ये धरोहर है, जहाँ पर भूल भुलैया जो कोई मेहरौली में आता है कुतुब मीनार जब देखता है तो भूल भुलैया ज़रूर घूम कर जाता है। निखिल कुमार, खबर दस्तक।